सर क्या नाम है आपका? भैया हमारा नाम है जगन्नाथ प्रसाद वर्मा। क्या है मामला? मामला बेटा हमारा यूक्रेन में पढ़ रहा है और वहाँ की स्थिति टीवी के माध्यम से जो जानकारी या देखने को मिल रहा है तो बड़े भयावह है, और बेटे से भी बीच में बात होती है तो बताते हैं कि पापा ठीक है, परेशान ना हो, और बल्कि हम लोग जहाँ हैं वहाँ अभी ठीक है और यहाँ से हम लोग निकलना चाह रहे हैं। कोई किसी प्रकार की सुविधा अगर मिलती है तो निकलते, नहीं तो हमको अभी भी एक घंटा पहले फ़ोन आया कि हम लोग जो है हम लोगों को जो लोकेशन मिला है कि आप रोमानिया के बॉर्डर तरफ उधर आ जाइए किसी वाहन के द्वारा और उधर से हम लोग आप लोगों को पड़ोसी देश में शिफ्ट करा देंगे, परेशान मत हो, और इंडिया का झंडा गाड़ी में आगे लगा लेना, जिस गाड़ी से आए, बस से आए या किसी वाहन से आए तो उसमें झंडा लगा लेना, और जो है हम आपको उधर रिसीव करके और शिफ्ट करा देंगे, आपकी सुविधा जो है मिलेगी वहाँ से। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जो हमारे बेटा जो है सरकार जिससे हमारे भारत सरकार से जो मोदी जी से हमारा निवेदन है और बड़ी उम्मीद भी है कि हमारे मोदी जी करेंगे हमारे बेटे को जो हो, और अन्य हमारे जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं भारतीय है, तो उनकी सुविधा और मुहैया कराएं और समय को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपने यहाँ सुविधाजनक पहुँचाएँ और हमारा बेटा घर सुरक्षित आए और अन्य लोग साथ के सुरक्षित आए, और मोदी से हमारा यही अनुरोध है प्रधानमंत्री जी से, और विश्वास भी है कि हमारे मोदी जी पूरा भरसक प्रयास करेंगे, किसी प्रकार की जो है ढीली नहीं बरतेंगे और कोशिश करके लाएंगे अवश्य लाएंगे, और हम लोगों को जो है यही अपेक्षा है सरकार से, यही अपेक्षा करते हैं कि हमारे मोदी जी इस पर बड़ा विशेष ध्यान करके और भारतीय बच्चों को अपने वापस लाएँ यूक्रेन से।